ये हमारा सुंदर सा भारत का बॉर्डर और यहाँ एक दिक्कत हो चुकी है, प्रियांशु अपना आधार कार्ड नहीं लेके आया है। तो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ कुछ बच्चे हैं, ये बहुत दूर से लाइन ऐसे लगी, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ये आज सड़क सुरक्षा समारोह हो रहा है, तो उसको जागरूकता के लिए यहाँ पे लोग खड़े होकर लोग जागरूक कर रहे हैं। ट्रक भी खड़े हैं और उल्टा अभी लोग तीन लोग बैठ के जा रहे हैं नेपाल के साइड। तो गाइस आगे बढ़ते बढ़ते ये लाइन कुछ नो मैन्स लैंड तक जाती है। ये सब का बेसिकली काम ये है कि लोगों को रोड पे जो दुर्घटना होती है उसके खिलाफ जागरूक करना, मीन्स हेलमेट पहनना ये सब। तो यहाँ SSB से लेके पुलिस के लोग भी हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तो सीन है हम लोग का नेपाल जाने का। तो चलते हैं। जय सर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो अभी मैं इस टाइम इंटरनेशनली रूम कर रहा हूँ, मतलब मैं इस नेपाल में हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा कि रोडों पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया आज कुछ सब प्रोग्राम है इंडिया में कुछ रोड के संबंध में। तो अभी हम लोग से घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ जाने का प्लान? अच्छा, हेडक्वार्टर इधर हैराव में, एक हेडक्वार्टर नाम से जगह है, तो वहाँ जाने का सीन है। तो अभी हम लोग वहाँ से चलते चलते आगे आ गए थोड़ा, अभी हम लोग ई रिक्शा की तलाश में जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम लोग अपने यहाँ पहुँच गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। तो कुछ खाते पीते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्या देखते हैं आगे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। 1 2 3। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं पीते हैं फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उसके बाद चाय पीने चलेंगे शायद शायद से। यहाँ का लुक देखिए आप, बहुत ही नेचुरल लुक देने की कोशिश किया है, एकदम बैम्बू को काट काट के बारीकी से देखिए थोड़ा। यहाँ झूला वूला भी है और जो है यहाँ अच्छा है, इसको तो आप पहचान रहे होंगे। तो हाँ मिलते हैं आपसे जल्दी। गाइस अभी हम लोग का पहला डिश आ चुका है, मोमोज। इसके बाद और भी है कुछ, दूसरा क्या है नाम कुछ था ना, कुछ ड्रीम करके, ड्रम्स ऑफ हेवन। तो इसे खाते हैं। A few moments later. फिनिश होने के बाद हमारा दूसरा आ चुका है, ड्रम्स ऑफ हेवन। लेकिन किसी एंगल से लग नहीं रहा ड्रम्स ऑफ हेवन, कोई बात नहीं, खाना तो है। ये ड्रम्स ऑफ हेवन कैसा लग रहा है प्रियांशु? अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ इतना गंदगी फैलाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। घर की तरफ निकलना है ना, घर की तरफ निकलते हैं गंदगी फैलाने के बाद। चलो प्रियांशु। तो गाइस वहाँ से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शा की खोज में। यहाँ की ई रिक्शा है मगर कोई है नहीं, सामने दिख रहा है और वहाँ हमारा प्यारा सा भाट पटनी। तो अभी निकलते हैं बॉर्डर की तरफ, तो मिलते हैं आपसे सीधे मंच। तो फाइनली गाइस बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं और एकदम से धूप हो रहा है बहुत खतरनाक सा। अच्छा एकदम अपने ठाट में जलते हुए साउथ इंडियन हीरो। हाँ अभी इधर थोड़ा कैमरा बंद करते हैं क्योंकि दिक्कत हो सकता है, काफ़ी भीड़ है। और नौ में तो मतलब इंडिया में तो बहुत दुखी था जुलूस टाइप के लिए, अपने शुरू में देखा ही। तो हाँ अभी करते हैं बॉर्डर क्रॉस। यहाँ पे देखिए कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, हम पहली बार देख रहे हैं, कुछ इस मोनेस्ट्री टाइप का बनेगा, लॉर्ड बुद्धा का हमको ऐसा लग रहा है उसका आउटर स्ट्रक्चर से। तो अच्छा है, ये हमारा सुंदर सा भारत का बॉर्डर और यहाँ एक दिक्कत हो चुकी है, प्रियांशु अपना आधार कार्ड नहीं लेके आया है, ये है टेररिस्ट। हम लोग तो मेरा फ़ोन में है, तो वहाँ पे चेकिंग तो हो रहा है, घमासान चेकिंग हो रहा है। कुछ नहीं करो तुम, मेरे साथ रहो ना, हम बोल देंगे। चलो तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग उधर निकल पाते कि नहीं, मिशन इंडिया वापसी। काफ़ी भीड़ है उधर, वहाँ से हम लोग को सुरक्षित वापस लेके आ रहे। इंडियन आर्मी के हैं, इनसे कोई थोड़ा लफड़ा हो गया, वहाँ से थोड़ा वेट करना पड़ गया। तो अभी चलते हैं अपने बाइक को लेने के लिए। हम लोग बाइक को वहाँ इमिग्रेशन सेंटर पे खड़ा किए हुए थे, तो हाँ
वहाँ पे इंडियन आर्मी प्लस इंडियन आर्मी का ही झगड़ा हो गया, तो कोई बात नहीं। यहाँ चेकिंग पता नहीं क्यों चल रहा है यार, उधर नेपाल में पुलिस वाले मतलब उधर के पुलिस वाले लोग थे नहीं ज़्यादा, यहाँ चेकिंग बहुत ही खतरनाक हो रहा है। तो चलते हैं बाइक की तरफ। ये देखिए गाइस, ये अंकल जी अभी हम लोग से पूछ के गए क्या कर रहे हो। अक्षय डर गया था अक्षय डर गया था, लेकिन समझ रहे हो ना, तुम्हारे भाई जो है तो डर नहीं लगता है पहले तो तुम ही फोन नीचे कर लिए थे भाई, अभी तो उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, थोड़ा गोप्रो रहता महंगा। चल बे, चल चल चल, ऐसे हेलमेट में लगा लिए होते। तो वहाँ अपना बाइक आ चुका है, अभी निकल रहे हैं उतनवा के लिए, फिर मिलते हैं आपको सीधे घर। A few moments later. जाओ घर जाओ, चलो भागो तुरंत, चलो तुम भी जाओ, फिर भागो तुरंत तुरंत घर 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 जाके कॉल करना तुरंत कि आएंगे, पहुंच गए हैं चिंता होती है ना भाई ओए होए रे जी, ओए होए ओए होए ओए होए। तो फाइनली गाइस घर पे आ गए हैं, नीचे पूरा अंधेरा हो रहा था, वजह छत पे आना पड़ा, समझ रहे हो। तो हाँ, यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैं इवेंटफुली वाला ब्लॉग बनाऊंगा, मैं इस कहीं अच्छे जगह जाऊंगा या फिर कुछ बढ़िया बढ़िया होगा तो वो दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी कंटिन्यू ब्लॉग तो नहीं आ पाएंगे। तो हाँ, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।